हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम मीन मीडियन एंड मोड फाइंड करने के लिए सीखने वाले हैं ठीक है यानी कि माध्य माध्यिका और बहुलक गॉट इट अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दो कैटेगरी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ठीक है इसे आप फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन समझे टाइप वन ठीक है ये देखिए इसमें कितने अंक है वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके और एक और टाइप होगा जिसमें कि ये देखिए तो ये एक विषम संख्या है ठीक है और एक टाइप होगा जिसमें कि सम संख्या लेंगे और उसका किस प्रकार हम लोग मीन मिलियन मोड ज्ञात करेंगे वो हम लोग जानेंगे ठीक है सबसे पहले इन संख्या को आप गौर से देखिए ठीक है इस क्वेश्चन को देखिए और इसे हम लोग फाइंड करेंगे ठीक है सबसे पहले हम लोग मीन फाइंड करेंगे यानी कि माध्य ओके माध्य ओके माध्य क्या होता है माध्य जो होता है वो आपका एवरेज होता है ठीक है एवरेज आप जैसे ज्ञात करते हो उसी प्रकार आपको माध्य ज्ञात करना है यानी कि मीन ठीक है ये आपका क्या है भाई मीन ये आप मीन फाइंड कर रहे हो ठीक है मीन जो फाइंड करने का जो नियम होता है जितने भी नंबर दिए होते हैं उसको आप सारे को ऐड कर लो ठीक है जितने भी नंबर दिए हुए हैं सारे को क्या करना है जोड़ देना है ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ कितने अंक है सारे को हम जोड़ देंगे क्या है एट प्लस ट्वेल्व प्लस फिर एट एट उसके बाद तो फिर प्लस एट के बाद क्या है थर्टीन प्लस एट थर्टीन के बाद सेवनटीन प्लस सेवेंटीन के बाद क्या है आपका ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व के बाद क्या है आपका थर्टीन थर्टीन फिर प्लस फिर क्या है आपका सेवनटीन तो सेवनटीन सेवेंटीन के बाद फिर क्या है आपका एट ओके ये आपका हो गया गोट इट इसके बाद आपको क्या करना होता है आपको नीचे जितने भी अंक है उन अंक को आप यहाँ पे काउंट कीजिए और नीचे उतने नंबर से आपको डिवाइड कर देना है कितने अंक है यहाँ पे काउंट कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो हम इसे नाइन से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे गॉट इट ऊपर में जितने भी अंक हैं उनको सारे को ऐड कर लो क्या करो सारे को ऐड कर लो ऐड करने पर ये आता है एक सौ आठ ओके बाय नाइन जब इसे डिवाइड करोगे तो ये बारह से क्या होगा भाई यहाँ से कैंसिल हो चु हो जाएगा ठीक है यानी कि ये आपका जो मीन आ गया माध्य आ गया आपका बारह ठीक है ये आपका माध्य निकल गया ठीक है अब हम लोग निकालेंगे माध्य हो गया अब हम लोग निकालेंगे मीडियन ठीक है अब मैं यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ अब मैं क्या निकालने वाला हूँ मीडियन गॉट इट आइए अब हम लोग मीडियन बनाने वाले हैं इट देखिए देखिए इसमें क्या आप फॉर्मूला पर आप ना जाए ठीक है फॉर्मूला पे क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में पूछता ही नहीं है ठीक है ऑब्जेक्टिव में पूछता ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आप जितना जल्दी हो सके इसे आप सोल्व करोगे ठीक है सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट लेना है ठीक है अब आइए माध्य हो चुका है अब माध्यिका माध्यिका को निकालने के लिए माध्यिका और बहुल्ला को निकालने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिले आपको क्या करना है इसे आरोहीकरण आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पहले आप सजा लो ठीक है एसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो साधारण रूप से हम लोग जो सजाते हैं वो असेंडिंग से सजाते हैं यानी कि आरोही क्रम में पहले छोटा फिर बड़ा ठीक है आप चाहो तो किसी भी ढंग से आप कर सकते हो ठीक है आंसर वही आएगा देखिए आरोही क्रम मतलब छोटा तो सबसे पहले इसमें छोटा क्या है आपका देखिए एट है ठीक है तो एट हो चुका है कितने एट है वन टू थ्री ठीक है तो एट, एट एट एंड एट एट के बाद कौन सा अंक होगा एट के बाद आपका है आपका है ट्वेल्व ट्वेल्व कितने बार है एक बार ये हो चुका है एक बार ये हो चुका है ठीक है यानी कि ट्वेल्व दो बार है उसके बाद ट्वेल्व से बड़ा कौन सा है थर्टीन वन टू यानी दो बार टू टाइम्स थर्टीन आपका है ठीक है चलिए थर्टीन बाद सेवनटीन सेवनटीन कितने टाइम्स है सेवनटीन विम्स है यानी कि दो बार ठीक है उसके बाद आपका कंप्लीट हो चुका है ये देखिए नाइन नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सारा का सारा हो चुका है ठीक है अब मैंने सजा दिया अब इसका हम लोग क्या करना है मीड हमें मीडियन ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है भाई मीडियन यानी कि माध्यिका है ना क्या ज्ञात करना है माध्यिका 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 ज्ञात करना, करना है गोट इट यानी कि मीडियन क्या ज्ञात करेंगे मीडियन तो मीडियन ज्ञात करने के लिए क्या है यहाँ पर जितने भी अंक जिसने जिसे आपने असेंडिंग ऑर्डर में सजाया है उसे आप कैंसिल करो एक अंक इधर से कैंसिल करो एक अंक इधर से कैंसिल करो सिमिलरली एक अंक इधर से कैंसिल 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 और एक अंक इधर से कैंसिल इस प्रकार ये आपका जो आंसर आ गया है ये देखिए बीच में क्या रह गया आपका बीच में आपका रह गया ट्वेल्व गौर कीजिए बीच में क्या रह गया आपका ट्वेल्व ठीक है यही ट्वेल्व जो है आपका क्या बन चुका है भाई ये ट्वेल्व आपका बन चुका है माध्यिका यानी कि मीडियन ठीक है ये आपका क्या बन चुका है मीडियन तो ये आपका ट्वेल्व हो गया आंसर मीडियन का ठीक है ये हो गया अब हम लोग क्या करेंगे इसको हम इतना हो गया जी ठीक है अब हम लोग मोड ज्ञात करेंगे मीडियन भी हो चुका है अब क्या ज्ञात करेंगे मोड ठीक है आइए अब हम लोग मोड ज्ञात करते हैं गोट इट चलिए मोड किस प्रकार फाइंड करते हैं वो हम लोग समझते हैं मोड मोड में भी क्या है सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सजा देना है आरोही या रोहिंग में जो कि मैं पहले से सजा चुका हूँ ठीक है पहले से मैं सजा चुका हूँ ये जो नंबर है ठीक है अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे मोड करूँ याद करूँगा यानी कि बहुलक ठीक है बहुलक बहुलक क्या होता है बहुलक मैं आपको समझा दूँ कि जितने भी अंक है जिसे आपने सजाया है उस अंक में ऐसा कौन सा अंक है ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है एट देखिए एट यहाँ पर तीन बार आया है इससे इसके अलावा कोई अंक नहीं है जो कि तीन बार या तीन से अधिक बार आया है ठीक है तो इसमें से आठ है एट है जो कि तीन बार आया है इसके बाद जितने भी अंक है वो दो बार या फिर एक बार आया है ठीक है यानी कि यानी कि कितना ही बार आया लेकिन वो तीन बार नहीं आया ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एट ठीक है अब ये तो हो गई बात जब हमारा नंबर है क्या भाई जब हमारा नंबर सम संख्या है इवेन अब हम क्या करेंगे ओड संख्या लेकर के हम लोग फाइंड करेंगे क्या ओड लेने पर हमें आंसर किस प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे ठीक है ओड में क्या होगा वही कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट है बस थोड़ा सा खाली माध्यिका में चेंज हो जाता है ठीक है मीडियम जब निकालोगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें क्या है एक अंक हम यहाँ पे हम बढ़ा करके ले लेते ले हैं ठीक है एक अंक क्या करते हैं हम लोग बढ़ा करके ले लेते हैं हम ले लेते हैं ट्वेंटी क्या करते है? यहाँ पे 20 ले ले हैं यहाँ पर हम ट्वेंटी ले लेते हैं गोट इट ये मैंने यहाँ पर ट्वेंटी ले लिया ठीक है जी ये मैंने क्या किया यहाँ पर ट्वेंटी ले लिया गोट इट चलिए मैंने ले लिया अब यहाँ पर कितने अंक हो चुके हैं दस अंक जो कि इवेन नंबर है अब इवेन नंबर का हम लोग किस प्रकार मीन मीडियन मोड ज्ञात करेंगे वो आप समझिएगा देखिए मीडियन के लिए क्या शर्त है वही शर्त है मीन जब आप निकालोगे यानी कि माध्य माध्य निकालने के लिए आप क्या करोगे ये आपका मीन हो चुका है माध्य क्या करोगे ऊपर में जितने अंक है सारे को आप ऐड कर दो यानी कि एट प्लस ट्वेल्व प्लस एट फिर प्लस थर्टीन फिर प्लस सेवनटीन फिर प्लस ट्वेल्व फिर प्लस थर्टीन फिर प्लस सेवनटीन फिर प्लस एट और फिर प्लस ट्वेंटी और और नीचे कितने कितने अंक है दस अंक तो दस से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे ठीक है अब इन सभी को ऐड करो ओके और उसके बाद टेन से डिवाइड कर दो तो इससे पहले जो आंसर आया था 108 आया था जोड़ने पर ओके लेकिन इसमें हम लोग क्या किए 20 यहाँ पे हम लोग ऐड कर दिए तो 108 में 20 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाता है आपका आपका आ जाता है 128 ठीक है यानी कि 128 सौ अट्ठाइस बाई टेन जब इसे आप यहाँ पे सोल्व करो तो ये आपका आ जाता है वन टू पॉइंट ट्वेल्व पॉइंट एट आ जाता है आंसर कितना आता है ट्वेल्व पॉइंट एट गोट इट इसका आंसर आ चुका है ट्वेल्व पॉइंट एट ओके अब आपको क्या क्या करना है माध्य तो आपने निकाल लिया कब जब आपका ई वी नंबर है तो किस प्रकार होगा माध्य उसी प्रकार होगा जैसे ओड नंबर होने पर होता था विषम संख्या होने पर ठीक है अब थोड़ा सा चेंज होता है माध्यिका निकालने में माध्यिका निकालने में क्या प्रॉब्लम आता है वो मैं आपको समझा देता हूँ देखिए माध्यिका और बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसे आरोही कर्म या अवरोही कर्म में यहाँ पर सजाएंगे ओके जैसे पहले आपने सजाया था उसी प्रकार आप लोग सजा लो तो एट होगा एट 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 ठीक है उसके बाद कौन सा है ट्वेल्व ट्वेल्व उसके बाद थर्टीन थर्टीन उसके बाद सेवनटीन सेवेंटीन ठीक है उसके बाद आपका है ट्वेंटी ठीक है इसमें टेन अंक है टेन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है अब जब हम इसका माध्यिका ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या होगा ये माधिका माध्यिका ज्ञात करेंगे यानी कि मीडियन तो क्या होगा इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग बनाएंगे ठीक है अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ इधर से एक अंक कैंसिल 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 फिर इधर से एक अंक 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 अब देखिए इस अगर फिर अगर जो हम इसको इसको काटते हैं तो फिर हम मेरे पास बचेगा ही नहीं कुछ ठीक है तो अब हम इसे यहाँ से कैंसिल नहीं करेंगे ठीक है अब बीच में क्या क्या बच गया ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व और थर्टीन बच चुका है ठीक है तो अब मैं क्या क्या करेंगे इनको ऐड कर लेंगे और दो से डिवाइड कर देंगे ऐड कर लेंगे और दो से डिवाइड कर लेंगे कोई भी संख्या हो अगर बीच में आ रहा है तो हम दो से ही डिवाइड करेंगे ठीक है अब इसे अपने यहाँ पे क्या करो डिवाइड करो ठीक है तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई इसे आप जब एड करोगे तो आपका आ जाएगा ट्वेंटी फाइव अपोन टू इसे सब सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव ट्वेल्व पॉइंट फाइव ठीक है और मोड तो आपका वही रहेगा जो आंसर इससे पहले था क्योंकि इसमें से सिर्फ कितना क्या अंक बढ़ा, बढ़ चुका है सिर्फ ट्वेंटी अंक बढ़ चुका है और ट्वेंटी क्या तीन या तीन से अधिक बार आया है नहीं ना तो यानी कि मोड जो आपका आंसर होगा जो पहले आंसर था एट वही आपका मोड आंसर होगा ठीक है क्योंकि आठ सबसे ज़्यादा बार आया है ठीक है तो इसमें आपका इसमें मोड क्या आ गया मोड इक्वल टू एट ठीक है सो आई होप वीडियो आपको समझ में आया हो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा चैनल नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ सो थैंक यू